दोस्तों, जंगली जानवर दिखने में जितना प्यारे और आकर्षित लगते हैं, यह समय समय पर अपना भूख मिटाने के लिए किसी भी जानवर को अपना शिकार बना सकते हैं, चाहे वो जानवर उनमें से छोटे हो या बड़े हो सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि जंगली जानवर अगर किसी जानवर को अपना निशाना बना सकते हैं तो वो उसे पाकर ही अपना दम लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपसे मगरमच्छ के कुछ ऐसे खतरनाक और दर्दनाक हमला दिखाएंगे जहाँ पर वो बहुत ही खूंखार तरीके से अपने शिकार को अंजाम दिया है। क्रोकोडाइल वर्सेस कोमोडो ड्रैगन। दोस्तों, आपको बता दें कि कोमोडो ड्रैगन और क्रोकोडाइल दोनों ही खतरनाक जीव होते हैं। दोनों दिखने में ही एक समान होते हैं और दोनों का शिकार करने का तरीका भी एक ही है। लेकिन दोस्तों, क्या हो अगर दोनों आपस में एक दूसरे से ऊपर हमला कर देते हैं। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में आप देख पा रहे होंगे कि एक क्रोकोडाइल एक बहुत बड़े कोमोडो ड्रैगन को अपना शिकार बनाने की मंसूबे से क्रोकोडाइल ने उस कोमोडो ड्रैगन की पूंछ को पकड़ लेता है। दोस्तों, वो क्रोकोडाइल उस कोमोडो ड्रैगन की पूंछ को पकड़ने के बाद उसे पानी के अंदर खींचने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, आपको बता देंगे कोमोडो ड्रैगन का जो नाखून होता है बहुत ही शक्तिशाली होता है, इसी वजह से वो कस के उस मिट्टी को पकड़ के रखा हुआ है, जिस वजह से क्रोकोडाइल को कोमोडो ड्रैगन को पानी के अंदर घिसे में बहुत ही मशक्कत करना पड़ रहा है। दोस्तों, दोनों के बीच काफी समय तक ऐसे ही जोरदार हाथापाई होने के बाद मौका मिलते ही कोमोडो ड्रैगन को क्रोकोडाइल पानी के अंदर घिंच लेता है और वो उसे खाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों, कोमोडो ड्रैगन भी उसके ऊपर हमला कर देता है और अपना जान बचाने के लिए वो कोमोडो ड्रैगन उस क्रोकोडाइल के शरीर के ऊपर चढ़ जाता है और दोनों के बीच घमासान लड़ाई होता है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि वो जो क्रोकोडाइल है वो उस कोमोडो ड्रैगन के पूंछ को इस तरह से पकड़ के रखा था कि उसके शरीर से खून निकलने लगता है। दोस्तों, ऐसे ही कुछ समय तक लड़ाई होने के बाद वो क्रोकोडाइल हार मान जाता है और उस कोमोडो ड्रैगन को छोड़ देता है। दोस्तों, उसके बाद वो कोमोडो ड्रैगन अपना जान बचाकर वहां से भाग जाता है। लेकिन दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि कोमोडो ड्रैगन के पीठ पर कितना बड़ा घाव है, यह उसी क्रोकोडाइल के काटने के कारण हुआ है। क्रोकोडाइल वर्सेस डॉग। दोस्तों, वीडियो की शुरुआत में आप देख पा रहे होंगे कि एक मगरमच्छ को दिखाया जाता है जो अपने शिकार की तलाश में नदी के किनारे की तरफ आ रहा है। तभी वहाँ पर एक कुत्ता पानी पीने के लिए आता है और वो मगरमच्छ उससे धीरे धीरे कुत्ते के पीछे से जाकर उसे पकड़ लेता है और पानी के अंदर घसीट लेता है। लेकिन दोस्तों, पानी के अंदर भी कुत्ता अपना दम दिखाते हुए बार बार मगरमच्छ के चंगुल से भाग जाता है और लास्ट में वह मगरमच्छ उस कुत्ते के ऊपर इतना खतरनाक तरीके से हमला करता है कि एक ही झटके में उसे दबोच लेता है। क्रोकोडाइल वर्सेस एनाकोंडा। दोस्तों, एनाकोंडा जितना खतरनाक होता है वो उतना ही जानलेवा होता है। यह बात है कि उसके अंदर जहर नहीं होता है, लेकिन वो एक बार में किसी पर हमला करता है तो वो उसे दबोच लेता है। लेकिन दोस्तों, इस वीडियो में आप देख पा रहे होंगे कि पहले एक एनाकोंडा दिखाया जाता है जो अपने शिकार की तलाश में आया था, लेकिन जैसे ही वो एक मगरमच्छ को देखता है तो वो अपना जान बचाने के लिए वहां से भागना शुरू कर देता है। लेकिन दोस्तों, मगरमच्छ उसे पीछा कर लेता है और नदी के किनारे पकड़ लेता है और वो मगरमच्छ उस एनाकोंडा के ऊपर इतना वैरम तरीके से हमला करता है कि उस एनाकोंडा का मौके पर ही मौत हो जाता है। क्रोकोडाइल वर्सेस एलिफेंट। दोस्तों, हाथी दिखने में जितना बड़ा और शक्तिशाली होता है वो उतना ही खतरनाक होता है। हालांकि वो शिकार नहीं करता है, लेकिन अगर उसके पाला किसी और जानवर से पड़ जाता है तो उस जानवर का बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों, आप देख पा रहे होंगे कि पहले एक मगरमच्छ को दिखाया जाता है जो तालाब में से लुक छुप छुप कर अपने शिकार की तलाश में है और तभी वहाँ पर कई सारे हाथी के झुंड पानी पीने के लिए पहुंच जाते हैं। तभी जब एक हाथी उस तालाब में अपना मुंह लगाकर पानी पीने लगता है, तभी उस वक्त उस तालाब में अपना शिकार की तलाश में छुपा हुआ मगरमच्छ उस हाथी को पकड़ लेता है। दोस्तों, आपको बता दें कि हाथी दर्द के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगता है और मगरमच्छ के चंगुल से छूटने की पूरी कोशिश करता है। अपने साथी हाथी को दर्द के मारे चिल्लाते हुए देखकर बाकी सारे हाथी हैरान में आ जाते हैं। दोस्तों, तभी वो देखते हैं कि उनका साथी बहुत बड़े मुसीबत में है और वो अपने साथी को छुड़ाने के लिए उस मगरमच्छ के ऊपर हमला कर देते हैं। मगरमच्छ और हाथियों के बीच कुछ समय ऐसे ही घमासान लड़ाई होने के बाद लास्ट में वो मगरमच्छ हार मान जाता है और वो उस हाथी को छोड़ देता है, जिसके बाद सभी सारे हाथी सफलतापूर्वक अपने आप वहां से भागने में सक्षम रहते हैं। क्रोकोडाइल वर्सेस कोमोडो ड्रैगन। दोस्तों, यूं तो क्रोकोडाइल सबसे खतरनाक और जानलेवा शिकारी जानवर है, लेकिन क्या हो उसका पाला एक
कोमोडो ड्रैगन से हो जाए। वीडियो की शुरुआत में आप देख पा रहे होंगे कि पहले एक क्रोकोडाइल अपने खाने की तलाश में एक पहाड़ के ऊपर चढ़ जाता है और पहाड़ में चढ़ते ही उसे एक गुफा दिखाई देता है जो पहाड़ के ऊपर था। दोस्तों आपको बता दें कि उस पहाड़ में जो गुफा है वहां पर एक कोमोडो ड्रैगन अपने अंडे को हिफाजत करते हुए वो अपने गुफा में रह रहा था और अपने अंडे को हिफाजत कर रहा था और यह क्रोकोडाइल उस अंडे को खाने के लिए उस गुफा के अंदर चला जाता है। दोस्तों क्रोकोडाइल जो है वो चुप चुप के गुफा के अंदर जाता है और गुफा के अंदर जैसे ही वो पहुंचता है उसके सामने बहुत सारे कोमोडो ड्रैगन के अंडे दिखाई देते हैं और वो फिर धीरे धीरे उस कोमोडो ड्रैगन के अंडे को खाने की कोशिश करता है। दोस्तों आपको बता दें कि यह क्रोकोडाइल जैसे ही एक कोमोडो ड्रैगन के अंडे को अपने मुंह में लेता है तो गुफा के अंदर रह रहा मादा कोमोडो ड्रैगन उस क्रोकोडाइल के ऊपर हमला कर देता है। दोस्तों आपको बता दें कि हमला इतना जोरदार होता है कि दोनों के बीच कई समय तो घमासान लड़ाई होता है। दोस्तों आप देख पा रहे होंगे कि कैसे वो क्रोकोडाइल उस कोमोडो ड्रैगन की गुफा के अंदर है जैसे मानो उसके बाप का गुफा हो। दोस्तों दोनों इतना खतरनाक तरीके से हमला अपने आप के ऊपर करते हैं कि मानो दोनों हिंसक हो चुके हैं और कई समय के बाद उन दोनों एक तालाब के अंदर चले जाते हैं और वहां पर उनके बीच काफी समय तक लड़ाई होता है। दोस्तों आपको बता दें कि कोमोडो ड्रैगन और ये जो क्रोकोडाइल है यह दोनों बहुत ही खतरनाक और शिकारी किस्म का जीव होते हैं जो पल भर में किसी को भी अपना शिकार बना सकते हैं। लियोपार्ड वर्सेस क्रोकोडाइल। दोस्तों वैसे तो लियोपार्ड सबसे फुर्तीला और शक्तिशाली जानवरों में से है। जब यह किसी के ऊपर हमला करता है तो उस शिकार का लियोपार्ड के चंगुल से बचना लगभग नामुमकिन हो जाता है। दोस्तों इसका दौड़ने वाली स्पीड किसी भी जानवर को भी मात दे सकता है। लेकिन क्या होगा दोस्तों अगर कोई क्रोकोडाइल लियोपार्ड के ऊपर हमला कर देता है तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों वीडियो की शुरुआत में आप देख पा रहे होंगे कि लियोपार्ड पानी पीने के लिए आता है और जैसे ही वो तालाब के अंदर अपना मुंह दबाकर पानी पीने की कोशिश करता है तभी पानी के अंदर रह रहा एक शिकारी और खतरनाक खूंखार क्रोकोडाइल उस लियोपार्ड के ऊपर हमला कर देता है। दोस्तों हमला इतना खतरनाक तरीके से होता है कि क्रोकोडाइल लियोपार्ड को एक ही झटके में पानी के अंदर घसीट लेता है और लियोपार्ड वो पानी के अंदर दबाने की कोशिश करता है। लेकिन दोस्तों लियोपार्ड भी ऐसे हार मानने वालों में से नहीं है। वो भी जवाबी हमला करते हुए अपने आप को बचाने की कोशिश करता है और वो उस क्रोकोडाइल के ऊपर इतना खतरनाक तरीके से पलटा हमला करता है कि क्रोकोडाइल अपना जान बचाने के लिए बिलबिलाता हुआ लियोपार्ड को छोड़ देता है। काफी समय तो ऐसे ही लियोपार्ड और क्रोकोडाइल के बीच घमासान होने के बाद फाइनली वो समय आता है जब लियोपार्ड अपने आप को बचाने में सक्सेसफुल हो जाता है और वो उस क्रोकोडाइल को मार कर उसे अपने मुंह के बल चबा कर पानी से किनारे पर ले आता है। क्रोकोडाइल वर्सेस लायन। दोस्तों यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि एक क्रोकोडाइल जो पानी के बाहर आ चुका है लेकिन दोस्तों ये जो क्रोकोडाइल है ये बहुत बड़ा क्रोकोडाइल है। तभी वहाँ पर अचानक कई सारे लायन के झुंड पहुँच जाते हैं और वो क्रोकोडाइल को देखते ही अपने भूख मिटाने के लिए उस पर हमला कर देते हैं। दोस्तों वो सभी सारे लायन इतना खूंखार और हिंसक हो चुके थे कि वो किसी भी तरह उस क्रोकोडाइल को मार कर उसे खाना चाहते थे और वही काम करते हैं। वो बहुत ही हिंसक तरीके से क्रोकोडाइल के वो पीछे से हमला करते हैं और हमला इतना खतरनाक होता है कि क्रोकोडाइल अपने आप को बचाने तक का समय नहीं पाता है। वो सभी सारे लायंस उस क्रोकोडाइल को इस तरह हमला करते हैं कि लायन के हमले से क्रोकोडाइल लहूलुहान हो जाता है।